Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपने मन, अपनी सोचों पे भी नज़र रख रहे होंगे. आप इस तरह से ले लीजिए कि आपका मन एक बच्चे की तरह है, वो भी आपका बच्चा जिसके माँ बाप सिर्फ और सिर्फ आप हैं, लेकिन वो बेचारा ऐसा बच्चा है जिस पर आपने शुरू से ही ना तवज्जो नहीं दी है, ना उस पर ध्यान दिया है, ना उसको तमीज़ सिखाई है और वो शुरू से अपनी मनमानी करता आया है, आप लोगों को नचाता आया है और आप लोगों को परेशान करता आया है. वो जहाँ जाता है आप उसके पीछे पीछे चलते हैं. अब आप लोगों ने उसको ज़रा तमीज़ सिखानी है, उसको अच्छा इखलाक सिखाना है, उसको बदतमीज़ी और बद लिहाज और बद तहज़ीबी से दूर करना है और उसको बताना है कि भाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, तुमने ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा सोचोगे तो ये हमें नुकसान देगा. तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपका मन यानी कि आपका बच्चा आपकी नाफरमानी करे या फिर आपका नाम रोशन करे? तो थोड़ी बहुत तमीज़ तो सिखानी पड़ेगी. तमीज़ उसी तरह सिखा सकेंगे जब उस पर तवज्जो देंगे. वो आप लाख उसको समझाएंगे, वो शुरू शुरू में नहीं समझेगा. आप बोलेंगे देखो ऐसा नहीं सोचो, ये अच्छा नहीं है, ये नुकसान देगा, वो फिर भी सोचेगा. आप फिर उसका ध्यान बटाएंगे, वो फिर वही चीज़ बार बार सोचता रहेगा. तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है. जैसे कि अपने बच्चे के पीछे आप सिखाने पे लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं. तो अपने मन को अपना बच्चा समझिए और उसको थोड़ी सी तमीज़ सिखाइए और उसको चलाइए अपने इशारों पे, ना कि आप उसके इशारों पे चलें. पहेलियों का सिलसिला जारी है. आप लोग जब भी कॉल करें कोई ना कोई पहेली पूछ लीजिएगा. एक छोटी सी पहेली मेरे पास लिखी हुई है, मैं बाद में पूछूंगी. बहरहाल आज के कुकिंग शो के हवाले से, जो कुकिंग आज हो रही है, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं. मंदी आपको पता है बहुत से लोगों की ये फेवरेट डिश है और अब तो हमारे यहाँ कराची में भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जहाँ पर मंदी स्पेसिफ़िकली सिर्फ और सिर्फ मंदी दी जाती है और बहुत चलते हैं, लोग पसंद भी करते हैं. और कुछ कुछ क्योंकि चावलों की डिश है, हमारे यहाँ चावल पसंद भी किए जाते हैं. इसके अलावा आज बहुत अच्छी रेसिपीज़ बन रही हैं क्योंकि जो आ रही हैं हमारे शो पर, इनको आपने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी देखा. हम टीवी के मॉर्निंग शो पे भी ये आई. किचन क्वीन के नाम से कुकिंग कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें उन्होंने विन किया था और ये जो है कुकिंग क्लासेस भी देती हैं घर से. रेस्टोरेंट में भी एज मेन्यू कंसल्टेंट के हवाले से काम करती हैं. एक सेलिब्रिटी शेफ बन चुकी हैं ये. आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं. पहले भी आ चुकी हैं एक बार लाइवली वीकेंड्स में, कोई साल के करीब हो गया होगा. एक बार फिर हमने उनको दावत दी है. वेलकम करते हैं फातिमा को. अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आ जाएं. वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक. बहुत लंबा चौड़ा आपने जो है वो तारुफ क्या करूं, आपने इतना सारा कुछ काम किया हुआ है. असल में ये चैनल जो है इससे मेरी वाबस्तगी हाँ बहुत पुरानी, तकरीबन 2 साल हो गए. आपको पता है हम 2017 आप बता रही हैं? बिल्कुल, मार्च 2017 में. और उसमें आपने ही होस्टिंग की थी. हाँ, मैंने इंटरव्यू लिया था. बिल्कुल, आपने मुझसे पूछा था कि क्या अच्छा बनाती हो. फर्स्ट आई थी ना? फर्स्ट आई थी मैं, तो उसमें मुझे जो है ट्रॉफी भी मिली थी. फिर एक्सपोजर मिलता है ना आपको, फिर आप आगे बढ़ते 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 बढ़ते. फातिमा घर से क्या कर रही हो आजकल? आजकल मैं कुकिंग क्लासेस देती हूँ. अच्छा. और फ्रीलांस काम करती हूँ, मतलब केटरिंग वगैरह का तो नहीं है? ये केटरिंग ऐसे ऑर्डर्स लेती हूँ मगर बहुत कम. अच्छा. क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता अच्छा. है ना, बाहर का ज्यादा काम होता है मेरे पास, तो इसलिए फिर वो कमिटमेंट्स हो जाती हैं. तो जब टाइम होता है तो जरूर लेती हूँ ऑर्डर्स. और जो मैं आज बना रही हूँ उसके ऑर्डर्स मुझे सबसे ज्यादा मिलते हैं. मंदी के? जी. अच्छा. सबसे ज्यादा मजे की बनती है वही मैं से पूछी थी. देखो वो सूखी सूखी तो नहीं है जैसे असल में होता ही है कि वैसे तो ये क्योंकि सॉरी अरबिक डिश है ना, तो ये तो जो इसका बेसिक जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो तो नमक और काली मिर्च की बनती है जो तंदूर में डाल दिया जाता है और पकता है. हम इसमें जो है वो इसके फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम डिफरेंट और स्पाइसेस डालेंगे. अच्छा. और हम अपने तरीके से इसको बनाएंगे. अच्छा. अब सर मजेदार मंदी जहाँ पे मैंने कहीं बाहर खाई है तो वो लोग साथ में ना यखनी भी देते हैं. बिल्कुल देते हैं. तो आप उसी तरह से सर्व करोगी या यखनी? नहीं, यखनी नहीं. मैं इसको इसलिए मैं यखनी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं इसके साथ चटनियाँ. अच्छा. उसकी जो बेसिक टमाटर की चटनी और ग्रीन चटनी और उस पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि बहुत से लोग जो है वो यखनी इतना पसंद भी नहीं करते. उनका जो मेन फोकस हमारे यहाँ असल में स्पाइसेस पे ज़्यादा ध्यान होता है, चटनियाँ हों, फ्लेवर्स हों और यू नो कुछ ना कुछ साथ चाहिए चाहिए के लिए.
तो मैं उसके साथ चटनियाँ बनाऊंगी, ठीक है, उसके साथ राइस बनाएंगे हम, और एक पूरा कंप्लीट हम उसको जो है ना थाल, ये मेरे ख्याल से थाल मंदी के लिए जी ये मैं लेकर आई हूँ खास तौर पर, ये चटनियों के लिए इसके छोटे से बाउल है और इसमें हम सर्व करेंगे ताकि हम तरीका भी बताएं ना। सही है। और एक आप सूप बना रहे हैं, वो जो है वो डाइट जो लोग करते हैं, अच्छा, खास तौर पे खवातीन या मर्द हजरात जो चाहते हैं कि ऑफिस गोइंग, खास तौर पे जिनका टाइम नहीं होता बहुत ज्यादा जिम करना या एक्सरसाइज, लौकी का सूप, हाँ। जो मैं इतना क्विक रेसिपी है वो कि आप घर में डेली बनाएं, जरूरी नहीं ना कि जो डाइट कर रहे हो वही लें, नहीं 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 हेल्दी जो सूप है बिल्कुल, ये बहुत हेल्दी है, इसकी तासीर ठंडी है, गर्म आप पियेंगे लेकिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। वेरी गुड। दूसरी चीज ये वही वाली बात की अगर ये एक महीने तक आप लेते हैं डेली अपने डाइट में रखते हुए और आप इसको रूटीन में रखते हैं तो आपका 3 to 5 kgs आपका अराउंड कम भी हो जाता है। अच्छा, वजन कम करने के लिए। और एक आप बना रही हैं दाल, माश की फरेरी दाल, जो कि हमारी नानी की जो है वो रेसिपी है। अच्छा। एक घर से हम पुरानी रेसिपी लेकर आए हैं और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चीज़ बनाऊंगी खजूर के लड्डू जी, वो इस तरह हम उसको प्रेजेंटेबल मैं आपको बना के बताऊंगी कि जैसे बाहर से आती है ना चॉकलेट्स और कैंडीज टाइप की रैपिंग में, अच्छा, उस तरह से वो बड़ा अट्रैक्ट बच्चों के लिए, बच्चे नहीं खाते, बच्चे हैं ना भाई माशाल्लाह से, तीन बच्चे फातिमा, और अभी आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, सब साथ आए हुए, इनकी बहन भी साथ आई हुई, किचन की तरफ बढ़ते हैं, जो चीजें चढ़ानी है वो हमें जल्दी काम करना है क्योंकि लंबा प्रोसेस है। फिर लाइव कॉल्स भी लेंगे, फिर पहेलियों का सिलसिला भी शुरू है। हाँ, तो हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने असल में क्या किया कि लौकी जो है आधा किलो लेकर सूप के लिए इसको क्यूब्स में करके इसको उबालने के लिए रख दिया, इसलिए रख दिया ताकि हमारा टाइम सेफ हो जाए। हम आ जाते हैं सबसे पहले मंदी की तरफ, ठीक है, तो दाल नहीं चढ़ा रही, दाल ये चढ़ा सकते हैं, दाल चढ़ाते ताकि वो एक तरफ होती रहेगी और फिर हम मंदी का सारा। अच्छा, हम बनाएंगे माश की दाल और वाइट वाली जो होती है बगैर छिलकों वाली, माश की हमने दाल ले ली थी, इसको हमने 20 मिनट भिगो देना है पानी में। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसका रेशो हमने ऐसा रखना है, रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब हम माश की दाल चढ़ाएंगे 20 मिनट हमने भिगो दिया, ये जो हमारा 1 inch, ठीक है, वन लाइन जो है जी, इतना हमने इसको मजीद इसको जब हम पैन में चढ़ाएंगे तो हमने इतना पानी इसके ऊपर रखना है, नाप के तो क्योंकि अगर आपको बाकी वो खिलवा वाली दाल चाहिए ना उसके लिए जो वरना वो हलवा हो, ये इसका रेशो है, ठीक है। आपने क्या किया, 20 मिनट आपने पानी में अच्छी तरह इसको धो के भिगो दिया, भिगोने के बाद अब हम इसको चढ़ाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसमें इतना हमने पानी ऊपर रखना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम ये क्योंकि साफ है पानी, सही है, पहले हम ये दाल पानी और चाहिए ना, तो वो हाँ वो पानी रखा हुआ बिल्कुल, हाँ मुझे भी पानी पिला दे, प्यास लगी, पानी की बात हुई तो प्यास लगी, प्यास लगी बिल्कुल। अच्छा जी, ब्रेक भी आ रही है, इसमें पानी डाल रहे हैं और क्या चीज़ें इसमें डालनी है, आधा मिनट मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पानी इसमें डाल दिया रेशो के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएगी, ठीक है, ये देखें, ठीक है जी, जो मैंने आपको हिसाब बताया था उस हिसाब से अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे इसमें, ये रेड जो बटन चिलीज होती है, ठीक है, ये 3-5 बस हमने डाल दी, ठीक है, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे नमक, अजवाइन का नमक और साबित लाल मिर्चें आपने बस डाल दी। अच्छा, ये मैंने तकरीबन आधा किलो डाल लिए तो इसमें 1 teaspoon काफ़ी होगा नमक, बस जी। अब हल्दी वल्दी नहीं ना क्योंकि ये सफेद रंग की, कुछ भी नहीं, ठीक है, इतनी खूबसूरत दाल बनेगी जब ये इसमें हम भगा करेंगे और जब ये तैयार होगी तो बहुत प्यारी, क्योंकि यहाँ भी ऐसी दाल बनती है, मम्मी बनाती है ना, वही नानी वाली होगी ना रेसिपी। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, आज फातिमा हमारे साथ है, मज़ेदार सी मंदी अभी बनाएंगे हम इस ब्रेक के बाद, आप लोग हमारे साथ ही रहिए और जो भी कॉल करेगा पहला वो पहली पहेली जरूर पूछ ले, मैं भी अपनी जरा पहेली तैयार करके आप लोगों से पूछती हूँ, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो। चलें जी, एक पहेली मैं आप लोगों से पूछती हूँ, चलते चलते थक जाती है लेकिन अगर इसकी गर्दन काट दो तो वो दोबारा चलने लगती है, ये क्या चीज़ है, आप लोग गेस करके हमें बताइए। मैं फातिमा से तो पूछूंगी नहीं क्योंकि इसने फुल फोकस रखा हुआ है अपनी कुकिंग पे, है फातिमा? बिल्कुल। अच्छा जी, माश की दाल चढ़ाई हुई है,
लाल साबित गोल मिर्च और नमक डालकर डाल बस सही और है। कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ तो लौकी हमने चढ़ाया है वो सूप के लिए, वो अभी बॉईल हो रही है, तकरीबन आधा घंटा हम इसको बॉईल करेंगे। सही है। नॉर्मल हमने उसके बीज हटा के छिलका हटा के क्यूब्स में अच्छा हमने लौकी चढ़ा दी नॉर्मल पानी में, उसको आधे घंटे तक में गल जाएगी बस, फिर हम इसको ठंडा करके ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इसको कितनी देर पकाओगी और तेज आंच पे पका रही हो? बस जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होता, जिस तरह हम चावल पकाते हैं ठीक है, इस तरह जब हम देखेंगे ना चावल में जैसे कनी रह जाती है, इसमें भी जब थोड़ा सा पानी होगा दम पे फिर हम इसको रख देंगे और वो दम पे में खासे हार्डली बस 7-8 मिनट 10 मिनट ठीक है, तो ये तैयार हो जाए। तो अब आ जाते हैं हम मंदी की तरफ। बिल्कुल, हम मंदी की तरफ आ जाते हैं। शेफ कुकवेयर में हम कर रहे हैं अपनी कुकिंग जबरदस्त सी, आप लोग ऑनलाइन जाके भी शेफ कुकवेयर ऑर्डर कर सकते हैं, www.majesticchef.com पर जाकर आप लोग भी ऐसे बर्तन ले सकते हैं। मज़ेदार, खूबसूरत, हसीन। हाँ, और ये वो पहली कंपनी है इनकी जिन्होंने पाकिस्तान में ये प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इस कंपनी ने ही सबसे पहले प्रेशर कुकर। अच्छा, इसके जो हैंडल्स हैं ये मुझे बड़े मजे के लग रहे हैं। हाँ, डिफरेंट से ना? नहीं, डिफरेंट से अलावा क्योंकि हम पका रहे होते हैं ना, ये गर्म नहीं हो रहा। नहीं, अच्छा, जो नॉर्मल होते हैं ना वो लिड के साथ लगे हुए होते हैं, जब हम उनको पकड़ते हैं ना तो फिर आपको कुछ यूज करना पड़ता है। ये ऐसे ही क्योंकि कि ऊपर है तो ये आराम से खुल रहा है, बंद भी हो रहा है और ये गर्म नहीं हो रहा है, और इसके साइड के भी साइड के भी जरा अच्छे ऊपर की तरफ है। चलो जी, ये देखिए इसमें बस पानी ड्राई होने वाला है तो हम इसमें जरा नजर रखेंगे, ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए। ठीक है। अच्छा, जब तक हम मंदी की जो है मैं आपको बता दूं मैरिनेशन, आप एक बाउल में मैं आपको चीजें, ये हमने जो है एक दस्ती ली है तकरीबन किलो की है ये। ठीक है। अच्छा, दस्ती जो होती है वो थोड़ी सी जो होती है वो इसकी शेप इस तरह की होती है कि इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, कट्स नहीं लगाने ना। आपने कहा रान लो तो फिर आप कट लो, अगर आप रान लेते हैं तो वो लंबी होती है, तो ये वाला जो हड्डी होती है ना साइड की उस पर आप एक टक लगवा दें। अच्छा, उससे आप कह देते हैं जो कसाई है ठीक है, उससे क्या आप उसको एक टक लगा दें। ठीक है। उससे क्या होता है कि वो फिर आप पतीले में जब आप बना रहे हैं कढ़ाई में तो उसमें वो ऐसे निकली भी रहती है टांग के, फिर उसके लिए फिर क्या है, फिर आप बेक करेंगे। अच्छा, बेक भी हम कर सकते हैं लेकिन हम क्यों नहीं करें, क्योंकि हर घर में जो है ओवन नहीं होता। ठीक है, नहीं ये चूल्हा सही है भाई, चूल्हा और जल्दी भी हो जाता है और आप जरा वो रहते हैं। अच्छा, मैरिनेशन में क्या है, ये रस्ता ढकना उधर रखा हुआ। ठीक, इसकी मैरिनेशन जो है बड़ी क्विक, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने दम पे रख दिया क्योंकि इसका पानी ड्राई हो रहा था। सही, मैं आपको अलग से बताती हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले हम लेंगे हसबे नमक, सबसे पहले हम इसमें नमक लेंगे 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें नमक लेंगे। नमक के बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 चाय के चमचे। ठीक है। पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 से 1.5 खाने का चमचा। खाने का नहीं, सॉरी, चाय का चमचा। चाय का चमचा। ठीक है। अच्छा, ये भुना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला है, ये जाएगा 1 चाय का चम्मच। ठीक है। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी सी मतलब बस बिल्कुल क्वार्टर। ठीक है। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 ये भर के इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश हो प्लीज़, वो रखा हुआ फ्रिज में वो हरा हरा नीला नीला सा प्लीज यूज मत कीजिएगा। मेरा अभी तक हरा नहीं हुआ है, कई बार उसको पीस के रखा हुआ है लेकिन कभी भी हरा नहीं हुआ। यूज नहीं करना चाहिए, मुझे ये होता है कि ये इसमें जो होता है ना एक चिपचिपाहट सी होती है, वो लेस खत्म हो जाता है जब आप इसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर वो अरोमा तो नहीं आता, फ्रेश की बात अलग होती है, उसमें स्मेल आती है अच्छी सी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डाल दिया हमने ये, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है। 2 से 3 चमचे भर के खाने के। अच्छा, और मुझे चाहिए लेमन जूस, जो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। नींबू है? हाँ, नींबू है, बस सही है, मैं इसको स्क्वीज़ कर लूँगी, इट्स ओके। ठीक है, ये देखिए, ये हमने जो है 2 से 3 हम इसमें जो है ओके नॉर्मल कुकिंग ऑयल ना, नॉर्मल कुकिंग ऑयल, फिर इसमें ऑयल नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसी में ये आप कुक करेंगे, इसी में हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, अदरक लहसुन पेस्ट, लाल कुटी मिर्चें और गरम मसाला और थोड़ा सा हम सबसे एंड में ये है सूखा धनिया। अच्छा। साबुत सूखा धनिया, इसको हमने तकरीबन लेना है 1 टीस्पून। ठीक है। और इसको हाथ से इस तरह से क्रश करके, अच्छा, और हमें दुदरा चाहिए, हाँ, मुँह में आए। अच्छा, वो या तो आप हावन दस्ते में से कूट लें। ठीक है। और इसी तरह थोड़ा सा ये जीरा, सफेद जीरा, ये भी बहुत थोड़ा सा बस हाथ में, और अगर भुना कुटा हुआ रखा है तो फिर तो यूज कर लें। बिल्कुल सही है, सही है। तो आपको ये एक अच्छा सा पेस्ट मिल जाएगा। हाँ। इसमें आप सिरका डाल सकते हैं तकरीबन आधे से एक
ठीक है जो है मतलब नींबू भी डालें और सिरका भी डालें या सिरका डालें या नींबू डालें ठीक है कुछ भी डाल सकती हैं आप जिसको मैं जो है ना कट करके बेशक और नींबू जो है वो तकरीबन एक से डेढ़ नींबू जो है अच्छे साइज में जो अगर आपको बड़ा मिल रहा है तो एक से डेढ़ हम इसमें स्क्वीज करेंगे और ये हमारे जो है इसकी मैरिनेशन तैयार हो जाएगी और फिर आप अच्छे से इसको अच्छे से मैरिनेट करके और हमने बस पतीले में इसको ठीक है हल्की आँच पे ये पकता रहेगा पकता रहेगा। कॉलर है तो हमें बताएं जरा हम भी कोई पहेली बूझें। हाँ चलते चलते थक जाती है और गर्दन काटो तो फिर से चलने लगती है। क्या है ये? इनका बेटा माशाल्लाह से इतना क्यूट है वो छोटा वाला। मैंने कहा आज तो मैं पूरा शो उसी से ही बातचीत करूंगी। वो बहुत गप्पी भी है बहुत बातें इतना और वो बहुत एक्साइटेड था मेरे साथ यहाँ आने के लिए। मैं नॉर्मली लेकर नहीं आती हूँ बच्चे स्कूल जाते था तो वो बड़े यू नो एक्साइटेड और वो रात में सो नहीं रहा था। मैंने कहा प्लीज सो जाओ अरे सो जाओ। बारिश एंजॉय की यार वो इतना नहाते मेरे बच्चे कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो उनको टेंशन हो जाती है कि कल हुई लेकिन थोड़ी थोड़ी हुई है कल कुछ इलाकों में थोड़ी ज्यादा हुई लेकिन पानी हुई थी ना वो उन्होंने बहुत एंजॉय किया उन्होंने बहुत मजा किया। मेरे बच्चे बहुत नहाते हैं उन्हें बहुत पसंद है बारिश। लास्ट टाइम की बारिश ने तो सभी को अफेक्ट किया था अच्छे से बुरे से हर तरह के बहुत ज्यादा है। अच्छा जी इस तरह की हमने एक कढ़ाई लेनी है अंदाजे से जिसमें ये साइज आ जाए सही है ठीक है जी। अब हम ये कर सकते हैं कि या तो एक बड़ा वाला बाउल ले लें मिक्स करने के लिए मिक्स कर या हम इसको डायरेक्ट इसमें मैं आपको वैसे बता दूं समझो यही एक बॉल है बस मैं कर लूं मिक्स। ये हमने ली ठीक इसमें हमने दस्ती ली है एक देखिए साइज कैसे आराम से आ गया वरना हमें फिर बड़ी पतीली चाहिए होती फिट आ गया। और ये जो हमने इसकी मैरिनेशन बनाई है ये हम इसके ऊपर इस अच्छा मैरिनेशन करके रखना नहीं है या रखें घर पर आप रख सकते हैं है ना वो ज्यादा कोई वो नहीं है। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसमें मीट टेंडराइजर लगा दिया था एक चम्मच बड़ा ये बता दो मैं आपको बता दूं सॉरी ठीक है वरना क्यों क्योंकि ताकि गल जाए। अच्छा अच्छा आप इसको मैरिनेट करके वन मंथ तक के लिए भी आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं जब आपके यहाँ दावत हो कुछ बल्कि जितना आप इसको अगर करके रखेंगे ना मैरिनेट सही है तो वो उतनी अच्छी टेंडर जूसी और मजे और कट्स ना लगाए और अगर प्रिक करना चाहे कर दें नहीं जूसी हो जाए थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन ये कि ये देखें आपने इस तरह इसको मसाला लगाया इसमें हमने ऑयल डाल दिया था सही है इसकी हमने साइड चेंज की इसमें चिकनाई होती है आप ये देख रहे हैं ना चिकनाई अब ये इसी में पकेगा हल्की आंच पे। एक कॉलर है अर्जा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण कैसी हैं आप? मैं आपको पता है हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड prettiest person in the world has rahe tum I mean it ye to meri line thi allah taala wo hamesha meri line thi bhai is pure channel ko aur isse related tamam logon ko hamesha aisa hi rakhe amin aapko bhi aap kaisi hain alhamdulillah bilkul aapki tarah bilkul meri tarah bole na alfaz ka istemal kare zyada se zyada आपके साथ रह रहे कि हमें भी इतनी पॉजिटिविटी आ गई है कि अब हमें भी यही लगता है कि दुनिया में एक ही अच्छा बंदा है वो मैं ही हूँ। वेरी गुड ऐसी ही सोच होनी चाहिए। अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है ना बेशक हर तरह की खुशियाँ दे रखी हैं मुझे हर तरह का आराम सुकून दे रखा है मुझे सब्र दे रखा है मुझे बेशक वाकई तो जितने तरीके की जाए वो कम है उसने तो हमें बहुत नवाजा है बस ये हम लोग ही हैं जो उसकी शुक्र को अदा करना भूल गए थे। अब आ रहे ना शुक्र गुजारी में बस कॉन्शियस हो जाएंगे तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी हमारी जी, और इसका सबसे सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है ना वो मसाला को और उसकी टीम को जाता है कि जिनकी वजह से हमें दोबारा से अपने रथ की तरफ लौटने का मौका मिला। बेशक जी। अच्छा जी मुझे बताएं एक पहेली पूछी है जी। हाँ एक पहेली ये पूछी है कि चलते चलते थक जाती और उसकी गर्दन काटो तो दोबारा से चलने लगती। पेंसिल या कलम? पेंसिल यस यू आर राइट लेकिन मैं आपको एनिक्स अभी नहीं दे सकती हमारे पास एनिक्स है आज देने के लिए बट आपके पास कोई पहेली है पूछने के लिए? हाँ जी बिल्कुल मेरे पास भी एक है एक मिनट पूछे पूछे जी। तीन क्वेश्चन है लेकिन उनका जवाब एक ही है ठीक है तीन सवाल ने जवाब एक है ठीक है। हाँ जी हाँ। वो क्या चीज है जिसमें 11 में दो जमा करें तो जवाब एक आएगा? 11 में दो जमा करें जवाब एक आएगा? एक आएगा। वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर लम्हे तब्दील होता है? सवाल एक ही रहता है लेकिन जवाब चेंज हो जाता है। अच्छा वो कौन सा सवाल है या वो कौन सा जवाब हर लम्हे तब्दील होता है जिसका सवाल एक ही रहता है जिसका जवाब हर लम्हा तब्दील होता है? सवाल या जवाब? सवाल हर लम्हा तब्दील सवाल एक ही रहता है जवाब हर लम्हे बाद चेंज हो जाता है ठीक है
ठीक है। और फिर है गोल मैदान 12 मकान 3 पठान, जवाब एक ही आएगा। गोल है नान, गोल मैदान, हाँ गोल मैदान 12 पठान, गोल है नान, गोल मैदान 12 गोल मैदान, गोल मैदान, गोल मैदान 12 पठान, 12 मकान, 12 मकान, 3 पठान। हाँ हो गया ना, सेकंड मिनट और आर घड़ी, घड़ी। हाँ जी बिल्कुल, आपने भी मेरी पहली को गेस कर लिया। लेकिन वो दो का एक क्या था पहला वाला? देखिए ना, तीन सवालों का एक ही जवाब आएगा, जब 11 में दो जमा करें तो हम 13 नहीं कहते, कहते हैं एक बच गया। अच्छा ठीक है, 13 आता है तो एक। कौन सा सवाल है कि जिसका सवाल एक ही रहता है, जो हम हर लम्हा पूछते हैं क्या टाइम हुआ है, तो कभी 12 कभी एक कभी दो, सवाल एक ही रहता है, लेकिन सवाल एक ही रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। ये मुझे मेरी टीम ने बहुत अच्छा लगा बता दिया, चीटिंग। सही है सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये मजेदार था सवाल। अच्छा जी, हमने क्या किया? हमने ये कर दिया ना, बस इसको चढ़ा दिया करके, हमने चढ़ा दिया थोड़ा सा, हमने बिल्कुल पानी डाला। हाँ। और जब पहले मैंने क्या किया, इसको तेज आंच पे ताकि स्टीम के अंदर आ जाए। अच्छा, फिर हमने इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। अब ये पकता रहेगा इसी में, इसी में ये ड्राई होगा, तैयार हो जाएगा। हमने 15 मिनट तक के लिए उसको बंद कर देना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद हम उसको खोलेंगे और उसको साइड चेंज करते हैं। सही है, तो अभी हम फिलहाल 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर माश की दाल, अभी कुछ नहीं किया है ना, भगाड़ इसका लगाओगे? बिल्कुल कुछ नहीं, अभी इसमें सारा जो इसका फ्लेवर जो आएगा ना, उसके भगाड़ से आएगा। तो जनाब, आधी आधी चीज़ें अभी बनी हुई हैं और इसको कंप्लीट कैसे करना है ये फातिमा बताएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद और पहेलियाँ आप लोगों ने पूछनी है। एक पहेली है, वो कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? ब्रेक। चलिए, एक सवाल हमारे कैमरामैन ने पूछा है, वो क्या है जो किसी की समझ में नहीं आती है? तो मैंने कहा किरण की बातें किसी की समझ में नहीं आती। नहीं, मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि वो कौन सा ड्रेस है जिसे पहन नहीं सकते, कौन सा ड्रेस है जिसे आप पहन नहीं सकते हैं, ये ज़रा सोचिए। हमारी टीम ने तो एक जवाब दिया था, अब आप लोग गैस कीजिए। अच्छा जी, आ जाएं, मंदी को हमने, मंदी कह रही हूँ, मंदी का जो गोश्त है उसको हमने चढ़ाया हुआ है, इसमें सिंपल मैरिनेशन थी, लीमू का रस था, लाल कुटी हुई मिर्चें थी, और क्या क्या था बताओ? पिसी हुई मिर्चें थी, भुना पिसा गरम मसाला था, हाँ। थोड़ा सा सूखा धनिया था, सफ़ेद जीरा था, नमक था, लहसुन अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट पिसा हुआ, ठीक है, ये सारी, और बस बस थोड़ा सा ऑयल भी डाला ना, ऑयल इसी में डाल के पेस्ट बना के हम, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है? ये आई ना आवाज़ बच्चे की, मेरा बेटा। अच्छा, उसने नहीं आना तो रहने दो, मैंने कहा उसको जरा बुलाती हूं। अरे आ जाओ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? चटनियाँ बनानी। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं, हमने मंदी तो रख दी, दाल तैयार हो रही है, मेरा बेटा जो है वो आ चुका है। आप बेफिक्र रहे, उसको तो मैं अभी कंपनी दूंगी, वो अपनी कंपनी खुद ढूंढना है। अच्छा, अभी क्या करना है? अब हम ये कर रहे हैं कि हम सबसे पहले करेंगे राइस तैयार करेंगे। हाँ। चावल मैंने भिगो दिए थे आधा किलो, ठीक है। अच्छा जी, आधा किलो अच्छे आप बासमती चावल ले लीजिए, ये हमने भिगो दिए तकरीबन 20 से 25 मिनट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम भगाएंगे। किसको? चावलों को। अच्छा ठीक, इसका हम एक भगार तैयार, मतलब भगार के फिर हम उसको दम पे रखें। ये वाला ले लेते हैं। हाँ, ये वाला हम ले रहे हैं। क्या नाम है इसका? आरिफ। आरिफ मोबाइल में गेम खेल। अरे इसको साइलेंट करो ना जरा, वो देखो, वो देखो, ये कैमरा ऑन हो गया, और ये देखो अपने आप को, ये देखो वो भाई देख रहे हैं। अरे आरिफ टीवी पर आ रहा है, वाओ। अरे आरिफ की बोलती जो है ना, वो अब बंद हो गई, इसने बड़ी बातें की हैं। शर्ट किधर है आपकी? हाँ हाँ, आएगी अभी। अच्छा, आपका नाम क्या है? और भाई का नाम क्या है? मान भाई। मान भाई, और दूसरे भाई? और मामा का? मामा का पात्मा। पात्मा नाम है। और मामा खाना अच्छा बनाती है? बनाती है। अच्छा चलो, अब आप यहाँ पर बैठो, मैं मामा के पास जा रही हूँ, ठीक है? हाँ जी, भगार के लिए आपने लिया ऑयल लिया है, 3 से 4 खाने के चमचे मैंने ऑयल लिया, आधा किलो चावलों के लिए, ठीक है। ठीक है जी, इसको हम गर्म होने देंगे। हाँ, जरा फ्लेम तेज कर देते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज, ठीक है। एक बड़ी साइज की हमने प्याज ले लेनी है, इस तरह से स्लाइस हुए हुए, ठीक। और इसको हम, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, लाइट
गोल्डन लाइट पिंकिश ब्राउन जैसे हो जाएगी. अच्छा, ज्यादा ब्राउन नहीं, ज्यादा नहीं ब्राउन करना हमने. तो फिर हम इसको जैसे कि पुलाव हम बनाते हैं ना, उसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला साबुत और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, वो डाल के हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डालेंगे. अच्छा हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल बिरयानी टाइप का थोड़ा पीला पीला सा जो वो टच टेस्ट नहीं इतना ज्यादा इसमें, यानी मिर्चें नहीं होती चावलों में, क्योंकि हम चटनियों का हम इस्तेमाल करेंगे ना, इसलिए चावल. मैं जब घर में बनाती हूँ मंदी, तो बिलीव मी मैं बिल्कुल व्हाइट राइस बनाती हूँ, मगर भगार के इस तरह से, लेकिन मैं उसमें फिर वो येलोइश कलर नहीं ऐड करती हूँ, बट लोगों को चाहिए होता है तो उसलिए बस सिर्फ आपने एक पिंच उसमें जर्दे का रंग आपने ऐड, या हल्दी डालने आप. अच्छा अच्छा, अभी इसमें आप हल्का सा सौते कर रही हो प्याज. बिल्कुल, प्याज को हम. चटनी कौन सी बना रही हूँ उसके साथ? चटनी मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, जिसमें टमाटर, हरी मिर्ची और उसमें लेमन जूस जाएगा. अच्छा, सिंपल जो टमाटर की चटनी, लाल प्याज जाएगा, मिर्चें वगैरह किसी भी मिर्ची नहीं होती है उसमें, हरी मिर्ची जाती है उसमें, जो है थोड़ा सा प्याज जाता है, ठीक है, और उसको ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल. ठीक है, एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, कैसी है? मैं बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छा. कितना अच्छा लगता है, सीरियसली बताएं, जब आप ऐसे बात करती हैं अपने लिए आपको अच्छा लगता है? एग्जैक्टली यकीन जाते हैं. सैटरडे और संडे का शो लास्ट भी देखती हूँ, मैंने कहा नहीं यार ये वाकई मजा आ जाता है जब सबसे ऐसा सुनते हैं कि लकी है, बहुत अच्छी हूँ, बहुत हसीन हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ. नहीं, अब कोई भी पूछे ना, खानदान में भी कोई पूछे हाँ क्या हाल चाल है, ऐसा ही जवाब दे, तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे इसको क्या हो गया. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली. और किरण, मैं जीतना चाहूंगी एनेक्स का फ्रैंक ये पिज्जा पैन. अच्छा, तो बताइए कौन सा ड्रेस है? पहेली पूछूं? मैं पहेली पूछे. अच्छा, वो क्या चीज है जो खरीदते हैं तो काली होती है, इस्तेमाल करते हैं तो लाल होती है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो वो सफेद हो जाती है? जब खरीदते हैं तो काली होती है, इस्तेमाल करते हैं तो लाल हो जाती है, और फिर जब हम छोड़ देते हैं तो सफेद हो जाती. ये मेरी टीम जो है ना बड़ी तेज है, उन्होंने जवाब दे दिया है मुझे, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगी अभी जवाब. अच्छा हाँ, मैं चाहूंगी कि हमारे दूसरे जो कॉलर्स है ना वो जरा सोचें, उसको गेस करें. अच्छा, मैं भी गेस करूं. और भी पहेली बोलना चाहूंगी. पूछे पूछे. वो क्या चीज है जिसे पिया नहीं जाता लेकिन फिर भी लोग उसे पीते हैं? गुस्सा. नहीं. वो क्या चीज है जिसे पिया नहीं जाता फिर भी लोग पीते हैं? ठीक है, ये दो हो गई पहेली, अब हम सोचेंगे. डन है. ओके जी, थैंक यू थैंक यू. अच्छा जी, प्याज हल्के से सौते करने के बाद पीछे हो जाए अदरक लहसुन. अच्छा, हमने उसमें डाला हाँ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, गरम मसाला, ठीक है. अच्छा, लहसुन अदरक, और हम इसमें डाल रहे हैं अब पानी, हाँ, ताकि वो छीटे मारना काम, छीटे से बंद हो जाए. हमने यखनी सी असल में बनानी है, ठीक है. अच्छा, तो साबित गरम मसाला में इलायची है, जो नॉर्मल गरम मसाला होता है, नॉर्मल गरम मसाला, दालचीनी वगैरह, दालचीनी और जीरा, हरी जो छोटी इलायची होती है, जायफल जावित्री के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जीरा होता है, ठीक है, और ये काली मिर्च है, हाँ ठीक है, ये सारा लौंग है, ठीक है जी. ये हमने करके इसमें हमने क्या किया, हमने प्याज एक बड़े साइज का लेके स्लाइस करके उसको ब्राउन किया, हमने पिंकिश ब्राउन करके उसमें हमने गरम मसाला डाला, और उसमें लहसुन अदरक का एक चम्मच भर के बड़ा वाला वो डाल दिया. अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक, ठीक है. हाँ, ये बस मसाले डाल देते हैं और फिर ब्रेक आ रही है जी, और कुछ डालेगा इसमें तो वो भी हम अभी हम इसमें दो खाने के चमचे जो है इसमें हम डाल रहे हैं, चाय के चमचे हम इसमें डाल रहे हैं नमक. जब तक ये यखनी बन जाए, थोड़ा सा उबाल आएगा इसमें, तो हम इसमें चावल डाल देंगे. अच्छा, बट दैट ये इसका टोटल मसाला है, ठीक है जी. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. इन द मीन टाइम हम इसमें चावल डाल के बघार दे देंगे, और हमने यहाँ पर वो डाल पकड़ी है, एक जर्दे का जो है ना वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस तरह बनाएं, चाहे तो सामने आकर ही डाल देंगे. हाँ, और इसका भगार हम अभी बनाएंगे इस ब्रेक के बाद. चटनियाँ भी आपको फातिमा बताएगी, और मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े की पहेलियाँ होंगी. दो पहेलियाँ हमारी गेस्ट ने पूछी, कॉलर ने पूछी हैं, वो ज़रा सा हम सोचते हैं, क्या चीज़ है जो पी नहीं सकते लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, और वो क्या चीज़ है जब हम खरीदते हैं तो काली, इस्तेमाल करते हैं तो लाल, और जब फेंकते हैं छोड़ते हैं तो सफ़ेद. ब्रेक. समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा जी,
आरिफ से बड़े मजे मजे की बातें हो रही। मेरा क्या नाम था, इधर आओ। केलन। केलन, अच्छा जी। और आपको मजा आ रहा है मेरे शो पे? आ रहा है। अच्छा, और बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके क्या बनोगे? वो कौन है वो टीवी पे कौन आ रहा है? अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे आप? अब मामा बनूंगा मैं। क्यों मामा क्यों बनेंगे आप? मामा अच्छी लगती है, मैं इसलिए बनूंगा। और अच्छा, ये भाई शर्ट पहना दें आपको? हाँ भाई, आप शर्ट पहनाएंगे इनको? चलें जी। अच्छा आ जाए जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो हमने चावल हैं वो डाल दिए हैं, उसके जो मसाला आपने भुना था, प्याज और साबित गरम मसाला, नमक। चावल डालने के वक्त आपने दो चीज़ें ऐड की थी, वो बता दो। वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, पीला रंग जो आ रहा है, और खुशबू तो खैर आपको आ रही होगी। अच्छा जी, जब भगार हमने तैयार किया था, उसके बाद हमने इसको यखनी बनाने के लिए हमने रख दिया था। जब इसमें एक दो बाल आए तो हमने थोड़ा सा पिंच हमने जर्दे का रंग इसमें ऐड किया, और आधी क्वार्टर बल्कि जो है हमने चाय की चमची हल्दी इसमें डाला। ये कलर हमने येलो लाने, ठीक है, ये ऑप्शनल है, मैं बार बार बता रही हूँ। चाहें तो आप वाइट रखें, चाहें तो आप डाल दें। और दो ड्रॉप्स मैंने जो है वो लेमन जूस के डाले हैं, आप सिरका भी डाल सकते हैं, उससे चावल खिले खिले बनते हैं। चावल हमने ऐड कर दिए और अब हमने इसको दम पे रख दिया। ओके, और ये जो मज़ेदार से आप पैन्स एंड पॉट्स देख रहे हैं हमारे शो पे, ये शेफ़ कुकवेयर के हैं। majesticchef.com पर जाकर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं इनको। अच्छा, अब आ जाते हैं भगार पे। ये दाल आप देख लें, सिर्फ और सिर्फ माश की दाल में आपने नमक डाला और साबित लाल मिर्चें डालकर इसको चढ़ा दिया था। अब ये ऐसी खिली खिली सी, ये आप ये देखें, ये बिल्कुल चावलों वाला टेक्सचर है, और ये आपको पता चल सकता है ये बिल्कुल गला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको उछाले ना, हाँ, तो ये दाना दाना लगता, दाना दाना। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो ये टेक्सचर आना चाहिए। अब इसका भगारो का मेन चीज है जो जिससे फ्लेवर और ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, इसमें सिर्फ नमक है, मिर्च है। अब जो हम भगार करेंगे ना, उससे इसके अंदर कलर्स भी आएंगे और फ्लेवर भी आएगा। बहुत कम लोग वैसे बनाते हैं ये माश की दाल ना, खड़ी खड़ी। ये बहुत मुश्किल है, डेलिकेट है, बहुत जल्दी बनती है, मगर ये बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, इसमें आप ऑयल भी ले सकते हैं, वैसे मैं असली घी भी इसमें डालती हूँ। तो असली घी है हमारे पास, यहाँ पर मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। असली घी उधर रखा हुआ है, उससे क्या होता है कि इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर। यस, ये रहा असली घी। तो ये हम और भगार में जाएगा क्या क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने इसमें असली घी भी ऐड कर दिया ऑयल के साथ। ठीक है जी, अच्छे से गल रहा है। मंदी जो है बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया था, देखते रहे थे। हाँ, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि उसी में जो है वो गलता रहे। चावल हम दम पे रख चुके हैं, ये भगार के लिए जो है। अच्छा, फातिमा को भी ना बातचीत करने का, बोलने का बहुत शौक है। मुझे ये इंतजार में थे, ये कब किरण मुझे मौका मिलेगा कि मैं बातचीत कब आएगी। चले आप, मैं यहाँ बैठती हूँ बच्चों के साथ, आप ये शो संभालें। ठीक है, ठीक है, मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। तो मैं अपनी दाल के हवाले से बता देती हूँ कि ये जो दाल मैं बना रही हूँ, प्लीज़ इसे दिन में बनाएं, दिन में खाएं। अगर आप रात में खाएंगे तो ये बहुत बादी होती है, फिर आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और जो मैं मंदी की आपको रेसिपी बता रही हूँ, ये वन गो रेसिपी है। अगर आपने घर में दावत करनी है, ग्रैंड दावत, तो आप ये ज़रूर बनाएं, घर में ट्राई करें, आपकी वाह वाह हो जाएगी। और आप ऐसे लोगों को अपने घर पर बुलाएं जिनसे आपकी ज़्यादा बनती नहीं है ना, दोस्ती वोस्ती नहीं है, तो उनसे भी आपकी दोस्ती हो जाएगी, वो इतना खुश होकर जाएंगे। तो अभी हम मंदी की जो है वो साइड चेंज कर रहे हैं। भाई फातिमा, तो ये बेटा तुम्हारी शर्ट नहीं पहन रहा, तो मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ। वैसे ये किसी को भी अपनी चीज़ें नहीं देता, ये मुझे भी नहीं देता, ये मामा की वीडियो बना रहे हैं वैसे ये। ये फिल्टर फिल्टर लगा के पिक्चर्स भी ले रहा होता है ये ना। अच्छा जी, हमारे भगार का जो तेल और हमने जो असली घी डाला था ये हो गया है गर्म। इसमें हम लेंगे प्याज स्लाइस की हुई, दो अदद बड़े साइज की प्याज लेंगे, अगर छोटी हैं तो तीन अदद ले लें आप। ये मैं बता रही हूँ आधा किलो दाल के लिए भगार। इसमें हम प्याज डालेंगे। अच्छा, 12 बज गए। हाँ फातिमा, 12 बज गए। तो हम जल्दी जल्दी जरा सा करते हैं। अब चटनियाँ भी हैं, चटनियाँ तो हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, हो जाएगा। भगार लगा के तो हम चटनियाँ बता देते हैं, ताकि फिर हम ब्रेक से आएँ तो हम मीठा कर लें। ठीक है, ठीक, वो भी फौरन हो जाएगा, डोंट वरी। देखो मेरे साथ ना बहुत फ्लर्ट कर रहा है ये, कैसे मेरी वीडियो बना रहा है। ये जो है ये सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करता है, वो भी खूबसूरत लड़कियों से। थैंक यू सो मच। एम आई प्रिटी, यू थिंक आई एम प्रिटी? हाँ। अच्छा, जब तक ये भगार हो रहा है, हम क्या करेंगे, जल्दी से दो तीन बड़ी हरी मिर्चें लेकर
इसको हमने काटना है और काट कर हम दाल के ऊपर डालेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब भगार हो गया ना तैयार इसका? नहीं, बन रहा है अभी, जैसे प्याज अभी लाल हो रही है ना जब तक। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हम दो बड़े अदद जो है, दो से तीन हमने ले ली हरी मिर्चें बड़ी वाली है, और इसको हमने जो है वो काटना है। तो भगार में जाएगी प्याज, हरी मिर्चें, और नहीं इसकी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, ये गई इधर। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर जब भगार आएगा, भगार होगा तो अगर हम भगार में डालेंगे ना तो ये फिर आपके मुंह पर आएगा और आपको ना वो एकदम से छींटे आते हैं। कि क्या हो गया, कर तो दिया, दो बार कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे, लेकिन वो हम डालेंगे बाद में। थोड़ा सा हरा धनिया चटनी के लिए जाएगा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, बस थोड़ा सा हैंडफुल, यानी कि इसको हम काट लेते हैं। और ज़ीरा भी जाएगा भगार पे? नहीं, जीरा नहीं जाएगा, प्याज प्याज जाएगी इसमें, यही गोल वाली मिर्चें जाएंगी। हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं, और इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। अच्छा, फ्रेश कड़ी पत्ता लेना है, इसकी इतनी अच्छी स्मेल होती है। और इससे घर पे लगा हुआ है? घर पे लगा, घर पे लगा हुआ है, ये घर का ही है, फ्रेश पुदीना भी, मिर्चें और कड़ी पत्ता, ये सब मेरे घर में लगा हुआ है। जिनको ऐसे कुकिंग का इस हद तक शौक होता है, अरे आप यहाँ आ गए, मैं तो सब्जियाँ वहाँ बैठी। इसको भाई मजा आ रहा है, इसको यहीं छोड़ जाओ, है ना, ये तो रुक कल भी मेरे साथ शो कर लेना, ठीक है। और ये दिखाओ आपकी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, मॉम इज स्मार्ट अमेजिंग कूल ऑल ऑफ द अबव हैं, ये मामा ने खरीदी होगी, ये मैंने ही खरीदी है। और इनकी फेवरेट भी तो मामा है, इन्होंने आपको बता तो दिया है। हाँ, बड़े होके मामा बनना है, इन्होंने मामा बनना है। और ये जब मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं ना, तो ये उनके सामने कहता है मैं बड़ा होके मामा से शादी करूँगा। ये मामा को इतना ज़्यादा फैसिनेट करते हैं ये, इनको या तो मामा पसंद है अपनी, या फिर खाला। अच्छा, ये अदरक हमने ली है, और अदरक का हमने एक टुकड़ा लेके इसके हमने इसके ऊपर रख दिया। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक आपने इस इधर डाला है, प्याज ब्राउन करके आप इसमें डालेंगी साबित लाल ये वाली मिर्ची, चार पांच हम इसमें डालेंगे, और कड़ी पत्ता गया हुआ, और कड़ी पत्ता, और ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। मजेदार और ये दाल जो है ये हो जाएगी तैयार, वाकई बहुत मजेदार सी दाल। फिर से आप आ गए यहाँ पे, आइए आइए। अच्छा, मैं बैठू या मैं खड़ी रहूँ? बैठें। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देती हूँ लोगों को कि भाई ये जो शेफ़ एट होम बाय शाय की जो किताब है, इसमें ज़बरदस्ती रेसिपीज़ हैं, ये अब आपको स्टोर्स पे मिलेंगी, आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप वाकई कुकिंग के शौकीन हैं और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना चाहते हैं। एंड प्लस शेफ़ शाय तो आपको पता ही है, ज़बरदस्त रेसिपीज़ उन्होंने शेयर की शेफ़ एट होम की, वो तमाम रेसिपीज़ आप सीख सकते हैं। 1200 की इसकी प्राइस है। और इसके अलावा आज एनिक्स है हमारे पास, डिलक्स पिज्ज़ा पिज्ज़ा पैन है हमारे पास। यहाँ पर दाल तैयार हो गई है, चावल तैयार हो गए, मंदी पक रही है, अब हम ब्रेक से आएंगे, चटनियाँ और फिर वो खजूर के लड्डू वो बनाएंगे। चलें जी, ब्रेक ले लें, बोल दें सबको ब्रेक पे जाएं, बाय 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 ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक से हम आ गए। एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि हांडी में हमने निकाली है दाल, जो कि नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और माश की दाल की ज़रा शक्ल नज़र आनी चाहिए ना, भगार से हमने भर दिया, तो मैं उसको बाद में हम शिफ्ट कर देंगे। हाँ, इसको निकाल। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमने लौकी बॉईल की थी, उसको आपने बॉईल करके स्ट्रेन किया और उसको ब्लेंड कर दिया, ठंडा करके हमने ब्लेंड करके पानी डाल के इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसका बना रहे हैं सूप। ठीक है। अच्छा, ये हमने पानी में, जैसे एक आधा कप पानी में हमने इसको ब्लेंड किया, आधा किलो लौकी थी, हमने इसको आधा किलो आधा घंटा जो है वो बॉईल किया है नॉर्मल फ्लेम पे। अभी क्या क्या चीजें इसमें डालनी है? अब हम इसमें सिर्फ क्या डालेंगे, जस्ट पिंच इसमें जाएगा नमक। हाँ, जस्ट पिंच। ठीक है। और ये है चिकन पाउडर। ओके, फ्लेवर के लिए, थोड़ा फ्लेवर के लिए हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है। ये जाएगा नॉर्मल जो है एक खाने का चम्मच। अच्छा, इसके अंदर हम डाल देंगे। सही है। ठीक है जी। नमक भी डाल दिया ना? नमक बिल्कुल पिंच, क्योंकि इसमें बहुत नमक होता है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। ये कौन शोर मचा रहे हैं मेरे सेट पे, प्लीज
इसको हमने जो है फ्लेम पे रखकर हमने इसको मिक्स करना है और इसको पकाना है। अच्छा, ये बस 5 से 7 मिनट तक ये पकेगा। बस ये टोटल है इसका? नहीं, इसमें आखिर में सिर्फ एक चीज हम करेंगे, वो भी ऑप्शनल है। एक तो इसमें वाइट पेपर जाएगा बिल्कुल एंड में। अच्छा, जब ये कुक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पीसा तो देखिए ऑलरेडी इसका टेक्सचर जो है वो थिक होता है, काफी हेल्दी है ये, क्योंकि लौकी है ठंडी, इसकी तासीर है। सिर्फ सफेद मिर्च? सफ़ेद मिर्च इसमें जाएगी फ्लेवर के लिए, और अगर आप चाहें तो आप एंड में इसमें एक अंडा डाल सकते हैं, जिस तरह हम डालते हैं वो ऑप्शनल है। मैं मतलब अंडा मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगी अगर आप चाहें तो। वरना पानी तो नहीं डालोगे? नहीं, अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे भाई इसको ले जाएं बाहर, ये बच्चा जो है ना बहुत शोर मचा रहा है, ये बदल गया, पहले हंस रहा था और अब शोर मचा रहा है। तो शोर वाले बच्चे हमारे सेट पे नहीं चलते, हंसते मुस्कुराते चलते हैं। चलो मैं इसको लेके जा रही हूँ, आप लोग शो करें। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं? अच्छा, मंदी जो है वो हो रही है। हाँ। अच्छा, ये बस सूप बिल्कुल 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगा। चलो जब तक वो हो रहा है हम चटनियाँ बना लेते हैं। बख्तियार, हमको ब्लेंडर चाहिए होगा। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। ये चावल जो है ये दम हो चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट जो है वो थाल में निकालेंगे चावलों को, ताकि हम चटनी भी बना लें और फिर हम खजूर का मीठा जो है वो भी हम आपको बता देंगे। अच्छा, ये सूप तो फटाफट हो जाएगा, इसको हमने रख दिया है, ये पक रहा है, 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, हम आ जाते हैं चटनियों की तरफ। सही है, चटनी हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लो और फिर हम उसको ब्लेंड कर। ठीक है, ठीक है। टमाटर की चटनी के लिए? हाँ, ये वाले, ये हमने टमाटर लिए हैं 2 से 3 अदद। ठीक है, टमाटर जाएगा चटनी में, लाल लाल अच्छे वाले जो है टमाटर। इसमें जो है हरी मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें बड़ी वाली लेनी है, 4 से 5 अदर। ठीक है, ठीक। अगर आप चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें, क्योंकि नॉर्मल एक वो है, सही है, समझें कि इसका रेशो। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें और कम करनी है तो आप इसको कम कर लें। टमाटर, हरी मिर्चें 3 अदद, टमाटर नॉर्मल साइज़ के 5 अदद, हरी मिर्चें बड़ी वाली, बहुत तेज़ हमें छोटी वाली नहीं चाहिए। और इसमें जाएगा प्याज। अच्छा, एक दरमियाने साइज़ की छोटी वाली जो होती है वो प्याज, वो हम इसमें डालेंगे। लहसुन 3 से 4 जवे आप ले लें, 4-5 जवे। ठीक है, ये जाएंगे। ये खास मंदी के साथ ही सर्व की जाती है। हाँ, ये बिल्कुल ख़ास है। इसमें नमक हम डालेंगे हसबे जायका। ठीक है, ठीक है जी, हमने ये डाल दिया। और हम इसमें डालेंगे लेमन जूस आधा हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। ठीक है, लाइन है अख्तियार। हाँ, आज तो भाई बच्चों से भरा लग रहा है, स्कूल मैं स्कूल आ गई हूँ दोबारा से अपने स्कूल के दिनों में। मैंने इससे ज़्यादा वाइनिंग किड्स देखे हैं, संभाले हैं मॉन्टेसरी में तो अच्छा। बहुत मुश्किल होता है, कई कई महीनों बच्चे जब नहीं यूज टू होते ना स्कूल जाने के, इतना शोर करते हैं सुबह जब स्कूल आते हैं तो फिर बहुत शोर कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चटनी है फातिमा जो आपने बनाई है, एक हम ग्रीन चटनी बनाएंगे इसके साथ। अच्छा, मुझे है। जो है वो रेड कलर की भी एक चटनी होती है, वो भी ये सेट हो गया, नहीं चेक कर, हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी हम इसमें डालेंगे, कर देंगे। दूसरी चटनी कौन सी है? ग्रीन वाली, धनिया लहसुन वाली, हाँ जो नॉर्मल होती है। बेसिक ये है, इसमें हमने बहुत मामूली सा पानी डालना है, सही है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया ना तो ये वो बन जाएगा मसाला, पतला पतला पानी सा। हाँ, तो वो हमने नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा हमको चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा, बहुत गाढ़ा। अच्छा जी, इसको हम ब्लेंड करते हैं और अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो पहेलियाँ हमारी कॉलर ने पूछी थी, वो क्या चीज़ है जो हम पी नहीं सकते लेकिन फिर भी पीते हैं? उसका जवाब सिगरेट है, लेकिन गुस्सा इसका सही जवाब होना चाहिए कि पी नहीं सकते, सिगरेट तो फिर भी पी सकते हैं लेकिन पीते हैं। और दूसरा था कि क्या चीज़ है जो हम काली लेकर आते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो लाल होती है और जब छोड़ते हैं तो सफ़ेद होती है। और एक सवाल मैंने किया था, वो कौन सा ड्रेस है जिसे आप पहन नहीं सकते? ये दो पहेलियों के जवाब आप लोग दीजिए हमें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दाल वाकई बहुत मज़े की है, जितनी सादा दाल है ना उतना उसमें जायका है। और सूप हमने निकाल दिया। अच्छा, ये सूप में आप ये शक्ल देख रहे होंगे,
आपने अंडा भी डाल दिया इसमें, है ना? जी जी, मैंने अंडा जैसे डालते हैं हम सूप में, ठीक है, जब तैयार हो। बहुत सादा आसान सूप है, लौकी को बॉईल किया था, मैश किया था, और उसके ऊपर थोड़ा चढ़ाने के बाद नमक, चिकन पाउडर होता है वो, और एंड में सफेद मिर्च, बस दैट्स इट। और अंडा चाहें तो आप डाल दें, ऑप्शनल है। और मजीद अगर आपको चाहिए थोड़ा फ्लेवर, वैसे ये बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मजे का नहीं है, सही है, ठीक है, तो इसमें आप चिली वो चिली सॉस सॉस थोड़ा सा डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है फ्लेवर का। और चावल भी तैयार हो गए हैं, चावल रेडी हो गए, अभी हम इसकी सर्विंग करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, एक चटनी हमने इसकी बना ली है, टमाटर की चटनी, सही है, ये रेडी हो गई, इसको अभी हम इसके साथ रखेंगे जब हम प्रेजेंटेशन ठीक करेंगे। तो अभी हम दूसरी चटनी बना रहे हैं फटाफट, वो हरी चटनी तो नॉर्मल वाली ना, इसको तो हम ब्रेक में बना लेंगे, हरा धनिया हरी मिर्ची लहसुन वगैरह। मीठा तुम बता दो, वो जो खजूर के, जो हम मीठा बनाने वाले हैं वो भी बहुत जल्दी बनेगा, क्विक, ठीक है, बिल्कुल। ये मैंने लिए थे तकरीबन ये आधा किलो खजूर थी, ठीक है, यानी ये जो है तकरीबन 250-300 ग्राम्स, आधा किलो से कम है ये खजूर ली हमने नरम वाली। इसको हमने क्या किया, धोया अच्छी तरीके से, इसके बीज निकाल दिए और इसको हमने मैश कर लिया, चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं आप है। इसको कोई पानी नहीं डालना है, इसको गीला नहीं करना है, नॉर्मल, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने लिया एक फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक पैन ले लें ज़्यादा अच्छा है, अगर आप नॉर्मल पैन लेंगे ना तो उसमें चिपक का डर है। अच्छा, कुक करना है इसको, इसको थोड़ा सा हमें कुक करना है। अच्छा, उसमें भी ये है कि हम इसमें लेंगे असली घी। अच्छा, ये मैंने तकरीबन मैंने आपको बताया 250-300 ग्राम्स ये खजूरें हैं, तो इसमें हम लेंगे बिल्कुल 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है, असली घी तकरीबन, सही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमने, ये हमने असली घी लिया। अच्छा, ये सिंपल है सर, जो आपने खजूर के बॉल्स टाइप बना के आप स्वीट्स की तरह ऐसे सर्व करो, ये मैं आपको बताऊं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए बहुत अच्छा है, खवातीन खासतौर पे, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट है उनके लिए हेल्दी है ना, खजूर का पूरा बहुत हेल्दी है, इसमें सेब से ज़्यादा खजूर में आयरन होता है, ठीक है, तो वो लोग जो जिनको कहा जाता है कि वो आयरन लें तो वो दवाइयों से बेहतर है कि वो ये खाएं। और कितनी देर कुक करोगी? बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट, वो एक खुशबू आ जाएगी देसी घी की, देसी घी से, और ये बिल्कुल जो है ना मतलब ठंडा होकर बस इसको आपने बॉल्स बनाने, लेकिन उसको जो हम करेंगे अच्छा डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से फातिमा ये खोपरा लेकर आई, जी पिसावा खोपरा, अच्छा वो इसके अंदर भी जाएगा जब हम इसको ज़रा कुक करेंगे ना, तो पिसावा खोपरा हम इसमें भी डालेंगे इस वाली फॉर्म में, स्प्रिंकल्स है कुछ इसके साथ कर लेंगे इसको ज़रा अच्छा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टफुल बनाने के लिए, घर में दावत है या बच्चे आपके नहीं खा रहे तो उनको ये देखें इस तरह से हमने इसको जो है मिक्स करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है, इस तरह की ये जो है ना चिपकता है, खोपरा डालोगी आप कह रही हो? इसमें मैं थोड़ा सा खोपरा डालूंगी और इसको हमने बस 1 मिनट तक पकाना है, ठीक, बस इस तरह से इसको घी के अंदर करके, सही, यूँ हेल्दी फटाफट, और हमने तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने खोपरा इसमें डाल देना है। भैया माश की दाल छोटे को भी अच्छी लगी, वो असल में खाता है मेरा बेटा, इसको पसंद है बहुत ज़्यादा, इनको और इनके दादा को बहुत पसंद है, अच्छा। है। दोनों बहुत शौक से खाते हैं। नहीं माश की दाल, अच्छा भाई 2 पहेलियाँ हैं जिसके जवाब आप लोगों ने देने हैं, अभी तक कोई कॉलर है तो बताएं, एक जवाब लेते हैं वरना दोनों के जवाब दे देते हैं, दे देते हैं। ब्रेक आ रही है, कोई कॉलर नहीं है, अच्छा टाइम हो गया। वो कौन सा ड्रेस है जिसे पहन नहीं सकते, इसका जवाब दूंगी ब्रेक से आने के बाद। और वो क्या चीज़ है जिसे हम काली लेकर आते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो लाल हो जाती है और जब छोड़ देते हैं तो वो सफ़ेद हो जाती है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, इन द मीन टाइम हम ये इसकी छोटी बस ये हो गया, ये देखें ये हो गया है, सिर्फ सर्विंग अप हम इसको बनाएंगे बॉल्स और फिर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, सही, बस हम फ्लेम बंद कर देते हैं ये, बस 1 मिनट ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। माश फरेरी दाल, अच्छा माश की दाल आधा किलो, नमक हंस पे जायका, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, हरा धनिया हंस पे ज़रूरत, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, प्याज 2 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 1 से 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। मंदी, अच्छा मटन लैग 1 अदद, मीट टेंडराइजर 1 पैकेट, नमक हंस पे जायका,
कुटी लाल मिर्च 2 से 4 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित धनिया खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 खाने के चमचे, कोयला धुआं देने के लिए, चावल के लिए चावल 1 किलो, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हसब जायका, खाने का लाल रंग 1 चुटकी, टमाटर की चटनी के लिए अज्जा, टमाटर 4 से 5 अदद, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, प्याज 1 से 2 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, नमक हसब जायका, रेड चटनी के लिए अज्जा, साबित लाल मिर्च 12 से 15 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, नमक हसब जायका, ग्रीन चटनी के लिए अज्जा, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, सफ़ेद जीरा 1 खाने का चमचा, सिरका या लींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हसब जायका, लहसुन 4 से 5 चवे, सैलड के लिए अज्जा, कटे खीरे 2 अदद, कटी प्याज 2 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, लौकी का सूप अज्जा, लौकी 1/2 किलो, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/2 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/2 चाय का चमचा, नमक हसब जायका, अंडा 1 अदद। तरकीब, लौकी उबालकर ब्लेंड करें, अब पैन में ब्लेंड की हुई लौकी और नमक शामिल करके तेज़ आंच पर उबालें, फिर चिकन पाउडर और पानी डालकर पकाएं, जब वो गाढ़ी हो जाए तो कुटी काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाल दें, फिर फिटा हुआ अंडा मिलाकर सूप में मिक्स कर लें, आखिर में गर्म सूप निकाल कर सर्व करें। खजूर के लड्डू अज्जा, खजूर 200 ग्राम, मक्खन या घी 1 से 2 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 4 से 5 खाने के चमचे, बादाम या हेज़ल नट हसबे ज़रूरत। तरकीब, खजूर की गुठली निकाल कर मैश करें, अब पैन में मक्खन या घी गर्म करके मैश की हुई खजूर 2 से 3 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि वो नरम हो जाए, फिर 1 से 2 खाने के चमचे खोपरा डालकर मिक्स करें और ठंडा करने के लिए एक तरफ रखें, जब ठंडा हो जाए तो उनकी छोटी बॉल्स बना लें, फिर इनमें बादाम या हेज़ल नट रखकर दोबारा पिसे खोपरे से कोट कर लें और सर्व करें। अच्छा जी, फातिमा ने जल्दी जल्दी जो है ना ब्रेक में हमने हरी चटनी भी बना ली, मैंने कहा थोड़ा सा नमक पता नहीं इसने डाला नहीं डाला, तो इसका मेरे पास नमक है, थोड़ा सा पिंच मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको चमचे से हिला देते हैं। ये मंदी के साथ की जो है वो हमने चटनी तैयार की और मंदी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, ये अच्छी मज़ेदार मसाला, इसके साथ आप दोनों चटनियों के साथ सर्व करें, मैं रख दूँ वहाँ पर। हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें सैलेड, मैंने कहा इसको थोड़ा सजा टेबल बना देते हैं हम, सजा दो ठीक है इसको जो है। जब तक आप इसको सजा रही हैं, यहाँ पर फातिमा की बहन जो है वो यहाँ पर आ गई, अस्सलाम वालेकुम, खाला को भी बुला लिया हमने, और भी कोई है भाई? भाई खाला खाना कैसा बनाती हैं? हैं बच्चों, खाला खाना अच्छा बनाती हैं या मामा अच्छा बनाती हैं? मामा खाला, ये तो बहुत बुरी बात है, आपके हाथ का ज्यादा नहीं खाया हुआ होगा। नहीं, आपको भी शौक है वैसे कुकिंग का उसी तरह से? वेरी गुड, सब बहनों को ये आया, लेकिन इसने थोड़ा सा प्रोफेशनली इसने जी ये आगे बढ़ गई, आगे बढ़ अम्मी के पास ज्यादा रही है, अम्मी ने ज्यादा सिखाया। अच्छा अच्छा, आप घर तक ही महदूद रह गई ना कि बस घर वालों को अच्छा सा खिलाओ। आपको भी आता है? हाँ, आपने तो मामा बनना ही है ना बड़े होकर। अच्छा जी, यहाँ पर तमाम चीजें तैयार है, शो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, थोड़ा सा एंड में हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, क्या मंदी तैयार की है भाई, ये हो गई है तैयार, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हमारी एक चीज रह गई है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं जल्दी से, खजूर के, खजूर के लड्डू। मेन हमने आपको, मैंने आपको बता दिया था कि उसमें हमने क्या किया। सही है। अच्छा, आपने पहेली सुनी थी, कौन सी चीजें जो काली खरीदते हैं इस्तेमाल करते हैं तो लाल, और जब उसको इस्तेमाल करके फेंकते हैं तो सफेद? कोयला। कोयला, वेरी गुड। और जो दूसरा सवाल था कि वो कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते, ये मैं लेकर आई थी पहेली। इसका जवाब है एड्रेस। एड्रेस वो ड्रेस है जिसे हम नहीं पहन सकते। मेरी टीम ने जवाब दिया कफन, जो कि एक अच्छा जवाब है क्योंकि कफन आप खुद नहीं पहनते, पहनाया जाता है, लेकिन मैं इतना सीरियस जवाब नहीं चाह रही दिन में सुबह सुबह ऐसा जवाब। एड्रेस इज अ ड्रेस व्हिच यू कैन नॉट वेयर। अच्छा जी फातिमा, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इतनी जल्दी जल्दी वक्त गुजरता है, बहुत मज़ा आया मुझे तो। खैर, घर है अपना, दूसरा घर है, मुझे तो कुछ भी पुराना नहीं, मतलब नया नहीं लगता, सब देखे हुए हैं। बस हमने ज़्यादा बोलने का आपको वक्त नहीं दिया, काम आप करती जल्दी जल्दी, हाथ ज़्यादा चलाया आज ज़्यादा। इसको बोलने का बहुत शौक है फातिमा, बहुत बहुत ज़्यादा, ये जितना खामोश रहती है मैं उतना बोलती हूँ,
और हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो बस सुन रही होती हूँ, मैं बोले जा रही होती हूँ, बता रही होती हूँ. कुछ लोगों को होता ही है शौक बोलने का. और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं बात करते ज्यादा, वो बस सुनते रहते हैं. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. आपके हस्बैंड जैसे मैं आज आपको मौका नहीं दिया, आप ऐसे मौका नहीं देती होंगी घर. नहीं वो असल में बिल्कुल भी बात होनी नहीं है. नहीं बट एनी वेज बहुत अच्छी रेसिपीज थी. माश की दाल वाकई बहुत मज़े की बनी है. हम लोग भी इसी तरह से घर में बनाते हैं. मंदी मैंने टेस्ट नहीं किया, वो मैं चखूंगी. एंड लौकी का जो सूप था वो थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक था एंड वेरी हेल्दी. एक तो ये हेल्दी और इससे ये वजन भी कम होता है. प्लस आप ये खजूर के जो बॉल्स बना रहे, ये तो सिंपल है लेकिन वेरी हेल्दी. बस इसके आप कोटिंग्स डिफरेंट कर सकते हैं अच्छी सी बना के और आप इसको जो है सर्व करें. सही है. अच्छा जी, एनिक्स का गिफ्ट जाता है किसी को, कोई विनर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ना हो. ये इतने सारे लोग जो हैं जो हमारी गेस्ट हैं. मैं डिलक्स पिज्जा पैन देती हूँ फातिमा आपको. खुश हो जाना ठीक है. सही है जी, ये आज का हमारा शो था. रात में रिपीट होगा 9 बजे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. और कल नई रेसिपीज होंगी. कल इनफैक्ट कोई भी सेवरी डिश नहीं बन रही है ना, एम आई राइट? सिर्फ और सिर्फ मीठा बन रहा है. सिर्फ और सिर्फ डिजर्ट्स हैं. जो डिजर्ट लवर हैं, जो स्वीट टूथ वाले हैं, वो कल का शो हमारा जरूर देखें. आप लोग पसंद करेंगे. एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आइए गले मिल लेते हैं और बस खुदाफिज कर देते हैं हम. ठीक है आ रहे हैं. फातिमा थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सी यू अगेन इंशाल्लाह. हमें दीजिए इजाजत इसी बात के साथ के अच्छा सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा अच्छा सोचो. बाय बाय. फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस. आप ही मार दो. प्यार से पकाए ये जबेरे कमी से बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए. लाल दीदी.